हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा और आपके बच्चे इसको बहुत अच्छे से खाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को अक्सर फास्ट फूड बहुत पसंद आता है, लेकिन ये फास्ट फूड बहुत हेल्दी है और बच्चों को बहुत पसंद भी आएगा। तो चलिए हम इसके इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। हमने यहाँ एक कटोरी सूजी ले लिया है, ये थोड़ा सा अजवाइन है, यहाँ हमने मिर्चा कट के करके रख लिया है, यहाँ धनिया है और ये हमने आलू बॉयल करके रख लिए हैं। और ये देखिए, हमने यहाँ कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया है। आपको जिस कटोरी से सूजी लेना है उसी कटोरी से दो कटोरी यहाँ पर पानी डालना है। तो अब इस पानी में हम एक चम्मच ऑयल डालेंगे और इसको बिल्कुल अच्छे से खोलने देंगे। यहाँ देख सकते हैं हमारा पानी बहुत अच्छे से खोलने लग गया है। पानी बहुत अच्छे से खोल रहा है। अब हम इसमें सूजी डालेंगे। यहाँ हमने सूजी डाल दिया है, अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे। हमारी सूजी अच्छे से पक जानी चाहिए। इसको हम अच्छे से धीरे धीरे चलाएंगे और इसको सूजी को अच्छे से पकाएंगे। सूजी को अच्छे से पकाना है और इतना अच्छे से पकाना है ये सूजी थोड़ी सी सूखी हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सूजी बहुत अच्छे से पक चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको यहाँ हमारी सूजी पक चुकी है, अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो चलिए इसको पहले एक बर्तन में निकाल के इसको अच्छे से ठंडा कर देते हैं। ये देखिए, सूजी को हमने निकाल के बिल्कुल ठंडा करने के लिए रख दिया है। अब हमने जो आलू बॉयल करके रखे थे, अब उसको अच्छे से क्रश करेंगे। यहाँ देखिए, हमारा आलू भी अच्छे से क्रश हो चुका है और सूजी भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तब अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा अजवाइन, जो हमने मिर्चा कट करके रखा था उसको भी मिलाएंगे इसमें थोड़ा सा। यहाँ पे धनिया की पत्ती सारी मिला देंगे और इसमें अब हम इसमें नमक मिला देंगे और नमक मिलाने के बाद इसको हम बहुत अच्छे से गूंथ लेंगे। तो चलिए हम पहले इसको खूब अच्छे से गूंथ लेते हैं। यहाँ देखिए, मेरा सारा मटेरियल बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसको फिंगर के शेप का बनाएंगे और यहाँ हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है। अब चलिए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको मटेरियल लेंगे और इसको बहुत अच्छे से धीरे धीरे बिल्कुल इसको फिंगर के शेप का बनाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए मेरा बिल्कुल फिंगर शेप बन के तैयार हो गया। इसको यहाँ हम रख देंगे। फिर हाथ में ऑयल लगाएंगे और इसको फिर वैसे ही शेप का बनाएंगे। यहाँ देखिए, हमारा फिंगर्स बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए हम इसको अब डीप फ्राई करते हैं। हमने यहाँ
गैस पे कढ़ाई रख दिया है और उसमें ऑयल डाल दिया है और ऑयल गर्म हो रहा है। ये देख सकते हैं हमने एक छोटा सा टुकड़ा डाला तो ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब चलिए हम इसको अपने फिंगर्स को अच्छे से डीप फ्राई करते हैं। एक बात का अच्छे से ख्याल रखेंगे कि तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए तभी हमारे फिंगर्स अच्छे से छनेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे डाल दिया है। एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि फिंगर्स दूर दूर ही रहें, ये आपस में चिपके बिल्कुल भी ना। ये देखिए हमारा फिंगर्स अच्छे से इसको ऐसे ही अच्छे से होने देंगे। ये देख सकते हैं मेरा फिंगर्स अच्छे से पक गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ऐसे ही सारी निकाल लेंगे। ये देखिए फिंगर्स कितने अच्छे और कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं, आप लोग इनको देख सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही और बना लेते हैं। ये देखिए हमारा फिंगर्स बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।